बात अब दिल्ली के बजट की करेंगे जिसे कल पेश किया जाना था, लेकिन क्या आज भी ये पेश हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मुताबिक बजट पेश किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया था। दरअसल कल दिल्ली का बजट पेश होना था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से कई पॉइंट्स पर जवाब मांगा था, कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और अब ये कहा जा रहा है कि फाइल पास हो चुकी है और आज ये बजट पेश कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को देखिए कि इससे किसका भला हुआ। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, सेम बजट के ऊपर आज उन्होंने सहमति दे दी। तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई इस पूरे प्रोसेस से। उनको यह संतुष्टि मिल गई कि उन्होंने दिल्ली सरकार को झुका दिया, उन्होंने केजरीवाल को झुका दिया। हम हमेशा आपके सामने झुके हुए हैं, केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूं, हमें दिल्ली चलाने दीजिए। केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं, केंद्र ने बजट रोका ही नहीं था। आपको कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो पूरी करनी होती हैं। 17 तारीख से आपके पास फाइल आई है, 3 दिन तक आपने जवाब नहीं दिया। कल जब आपकी मक्कारी पकड़ी गई और रात को आपने 9:25 पर फाइल भेजी, उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से 10:05 पर आ गई और आज केंद्र ने वो बजट को अप्रूवल दे दिया। अगर यही प्रोसीडिंग्स आप 17 तारीख को पूरी कर लेते तो आपको इतना हंगामा और झूठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी मक्कारी और चोरी छुपाने के लिए केजरीवाल इस तरह की हरकतें करते हैं।